आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जहां आप निकल जाएं, हर सड़क पर आपको आवारा मवेशी मिल जाएंगे। आवारा मवेशियों ने हलाकान करके रखा है आवारा मवेशी और आवारा जानवर। और साथ ही ये देखिए, शराब की बोतलें आपको सड़क किनारे खाली प्लाट में, खाली मैदान में आसानी से मिल जाएंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान का नज़ारा है। यहाँ पर विद्यार्थी विद्यार्जन के लिए आते हैं, विद्या अर्जित करने के लिए आते हैं, और यहाँ के खेल के मैदान में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, शराब की दो शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं मैदान में। इस कदर शराब की बोतलें पड़ी होती हैं कि कहना बड़ा मुश्किल है। मुख्य द्वार यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का, और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक हॉस्टल यहाँ पर जो जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, ये हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस पुराने हॉस्टल के सामने ये तीसरी बोतल हम आपको दिखा रहे हैं शराब की। मैं जदों की पहली पसंद, सिवनी में खाली पड़े प्लॉट हैं। कोतवाली पुलिस हो, आबकारी विभाग हो, इस मामले में कोई भी संजीदा नज़र नहीं आता। इस परिसर के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी है, कन्या छात्रावास है। ये देखिए, एक ये बियर का कैन आपको दिख रहा होगा। यहीं प्राचार्य का निवास है, अन्य बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक और अन्य कर्मचारी रहते हैं। देखिए, यहाँ किनारे में आपको हम एक बार फिर दिखा रहे हैं, और ये मुख्य द्वार सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पीले रंग का जो बाएं हाथ तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो गार्ड रूम है। गार्ड रूम के पास में ये देखिए, गार्ड यहाँ पर टहलते हुए लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। गार्ड की मोटरसाइकिल भी यहाँ खड़ी हुई है, और इससे कितनी दूरी पर ये सब गोरख धंधे यहाँ पर चल रहे हैं, इस ओर ध्यान किसी का भी नहीं है। लगातार हम आपको बताते आए हैं। देखिए, आवारा सुअर यहाँ पर घूम रहे हैं, आवारा मवेशी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुख्य द्वार हमने आपको दिखाया। ये देखिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये चौथी शराब की बोतल आपको यहाँ दिखाई देती है। कितनी शराब की बोतलें यहाँ सुबह सवेरे मिलती हैं, पाँचवीं शराब की बोतल यहाँ पर। अब तक 5 शराब की बोतलें हम आपको दिखा चुके हैं, सुबह सवेरे का ये नज़ारा दिखा रहे हैं हम। और यहाँ देखिए, लड़ाई झगड़े रात को होते हैं, शराब पीने के बाद मैजदे आपस में लड़ते हैं। जूता भी हमने आपको दिखाया, जूता यहाँ पड़ा हुआ था। ये छात्रावास बंद पड़ा हुआ है, जर्जर हालत में यहाँ छात्रावास है। और इस छात्रावास के पास अब यहाँ ये देखिए, छठवीं शराब की बोतल हम आपको दिखा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में। सुबह सवेरे अगर आप सैर को निकलते हैं तो आपके साथ यहाँ पर ये देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का पुराना हॉस्टल जो जर्जर हालत में है, छठवीं शराब की बोतल हमने आपको यहाँ पर दिखाई। सुबह सवेरे जो घूमने यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें इस तरीके की बोतलों से और यहाँ फूटे हुए, इन बोतलों के फूटे हुए कांचों से उन्हें रूबरू होना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर ये 7वीं के बाद ये 8वीं शराब की बोतल आपको दिख रही होगी। एक मैदान का अगर आप चक्कर लगाते हैं तो यहाँ ये 8वीं शराब की बोतल आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रही होगी। चमत्कार से कम नहीं है ये, इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता है जो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिशा मैदान अर्थात टोले के निवासी यहाँ आकर इसका उपयोग लघु शंका दीर्घ शंका के लिए करते हैं। ये दो बोतलें और आपके समक्ष ये 9वीं और 10वीं बोतल, साथ में डिस्पोजेबल ग्लास, नमकीन, पानी के पाउच, 11वीं बोतल भी आपको यहाँ दिख रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला आहता बनकर रह गया है। ये ऊपर भी देखिए, पन्नी के अंदर पाउच और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। पता नहीं कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग को इस यहाँ पर छापेमारी करने में तकलीफ किस बात की है। शाम ढलते ही ये मैजदों का अड्डा बन जाता है, मैजदे यहाँ पर आकर बैठते हैं। ये देखिए, अब हम आपको इसके बाद और आगे लेकर चलते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सामने आपको गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये लीजिए, ये 12वीं शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी हुई दिख रही है।
ये बारहवीं शराब की बोतल आपके सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है ये, और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही आपको ये 13वीं शराब की बोतल एक और आपको दिखाई दे रही है। ये हो गई 13वीं शराब की बोतल, यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिख रही होगी। ये इसके बाद 14वीं शराब की बोतल, एक 15वां कैन, ये दो आपको यहाँ दिखाया। 16वीं शराब की बोतल यहाँ पर एक और है, चखना जिसे कहते हैं, ये यहाँ आपको पड़ा हुआ दिख रहा होगा। लोगों का कहना है कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन और शहर में बारिश के पहले ये जो खेती की जा रही है शराब की बोतलों की, वो अंकुरित होती हुई दिख रही है। जगह जगह आपको शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई दिख जाएंगी। ये 17वीं शराब की बोतल आपके सामने, और ये देखिए 17वीं शराब की देशी शराब की बोतल यहाँ दिख रही है। पानी के पाउच, गिलास, सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा है, जो इस बात की चुगली कर रही है कि ये देखिए यहाँ पर स्प्राइट की बोतल भी पड़ी हुई है, और ये इस बात की चुगली यहाँ करती हुई दिख रही है कि यहाँ मैं जदों की पहली पसंद ये पॉलिटेक्निक मैदान बन गया। पॉलिटेक्निक मैदान के अलावा किसी भी आप खुले मैदान में चले जाइए, वहाँ पर खुला आहाता बना हुआ, पूरे शहर को आहाता बना दिया गया है। पूरा शहर, लोगों का कहना है कि पूरे शहर को आहाता बना दिया गया है। महिलाएं निकलने से कतराती हैं सड़कों पर, इस तरीके की बात भी लोगों का कहना, लोग कहते हैं। ज़िले में SDM अनुभागीय अधिकारी राजस्व महिला, जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर महिला, जिले की सांसद महिला। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद 19वीं शराब की एक बोतल हम आपको दिखा रहे हैं। ये 19वीं शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है गिलास के साथ में। अगर आप पूरा बारीकी से चक्कर लगाएं तो 50 के ऊपर यहाँ शराब की बोतलें मिल जाएंगी, और वो भी यहाँ शराब की जो बोतलें मिल रही हैं वे शराब की बोतलें शराब जो सुबह टीन टप्पर बीनने वाले, कबाड़ बीनने वाले किसे बची हुई शराब की बोतलें हैं, अन्यथा वे तो उठाकर यहाँ से बोतलें ले जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये यहाँ पर कचरा भी आपको दिख रहा होगा, और ये लीजिए 20वीं शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी है, 21वीं शराब की बोतल भी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। सिगरेट के पैकेट, पानी के पाउच, चखना, और उसके साथ में आपको डिस्पोजेबल पानी के गिलास भी यहाँ दिख रहे होंगे। ये लीजिए 22वीं शराब की बोतल यहाँ किनारे में आपको एक पड़ी दिखाई दे रही होगी, पानी और डिस्पोजेबल ग्लास के साथ। और क्या प्रमाण दिए जाएं पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को? पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन पता नहीं किस बात से ये देखिए 23वीं शराब की बोतल आपके सामने एक और हमने दिखाई, डिस्पोजेबल ग्लास भी यहाँ पर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहता? ये सामने आवारा श्वान दिख रहे होंगे, और सामने ही आपको जाते दिख रहे होंगे सुअरों का ढेर। कितने सारे सुअर यहाँ से गुजर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस परिसर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी भी लगाए हुए हैं, सवैतनिक, जिन्हें आउटसोर्स किया गया है, वे सुरक्षा कर्मी यहाँ होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर है, प्राचार्य निवास के ठीक सामने ये सब चल रहा है, नंगा नाच यहाँ होता है। इसके बाद भी इस पर अंकुश लगा, ये श्वान दिख रहे होंगे आपको, अंकुश लगाने की फुर्सत किसी को भी दिखाई नहीं देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ये अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब इसके बाद और क्या प्रमाण दिए जाएं? अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।